चल रहा है, और जो इसका साउंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब म्यूज़िक। और यहाँ पे लोड हो रहा है और चेकिंग फॉर अपडेट्स, यहाँ पे आप लोग देख लें कोई भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टू माई टेक चैनल टॉक ऑन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज हम, अरे ओपन हो जा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया, एक हाथ से ओपन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो मतलब कि यहाँ पे जो लैपटॉप है इसे मैंने साफ़ कर लिया है, और मैं आपको बताने वाला हूँ मतलब कि 5 महीने तो हो ही चुके हैं, 4-5 महीने, कैसा है ये लैपटॉप और इसमें पबजी चलेगा कि नहीं, ये पबजी के लिए कैसा है लैपटॉप, क्योंकि ये 40,000 में आता है। इसमें आपको रेजन 5 मिलता है, 8 GB रैम, और ग्राफिक्स भी तो मिल ही जाते हैं, जितने मिल जाते हैं सही मिल जाते हैं। और यहाँ पे जब तक ये बूट अप हो रहा है, मतलब बूट हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग देखें तो मतलब कि लैपटॉप है, कंपैक्टिबल है। यहाँ पे राइजन 5 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, AMD राइजन 5 और 3500U कंप्लीट नेम बता दिया मैंने। यहाँ पे आप लोग देखें तो मतलब, चलिए आज तो मतलब बूट अप हो गया, जैसा भी हुआ सही हुआ, टाइम ज़्यादा नहीं लिया। और आज है 27 अप्रैल, मंगलवार का दिन है, और चलिए इसे मैं करता हूँ अनलॉक, और पासवर्ड है हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे चलिए इसे करते हैं अनलॉक, 1 2 3। तो दोस्तों कैसी लगी एडिटिंग कमेंट में ज़रूर बताएं, थोड़ी सी मिस्टेक हो तो प्लीज़ सॉरी। और यहाँ पे आप लोग देखें तो पबजी मतलब दिख ही गया, पबजी आखिरकार, और नीचे पबजी है और ऊपर फ्री फायर। और नीचे पबजी क्यों है, क्योंकि पबजी मतलब मैंने नीचे पिन कर दिया, पिन कर दिया, मुझे सही लगा मैंने पिन कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देखें तो मतलब कि फ्री फायर सब कुछ मैंने डाउनलोड करके रखा है, हिल क्लाइंब, माइनक्राफ्ट, और ये कुछ VPN है, मतलब VPN ऐप्स हैं, दो ऐप हैं। और यहाँ पे आप लोग देखें तो पबजी का यहाँ पे मतलब पबजी है, ये सही में पबजी है, और मैं आपको बताने वाला हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझे दिक्कतें फेस करनी नहीं पड़ी हैं इस लैपटॉप को लेकर। यहाँ पे पहले मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और डिस्कनेक्ट क्यों किया ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पे आप लोग देखें तो मतलब कि लैपटॉप सही चल रहा है, 4-5 महीने से सही चल रहा है। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पबजी है, पबजी मतलब कि डाउनलोड मैंने कर लिया है, और इसके बारे में जो बात है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे ब्लू स्टैक भी डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देखें तो मैं मोबाइल पे भी पबजी डाउनलोड कर चुका हूँ, और मतलब पबजी मैं मोबाइल पे भी खेलता हूँ, केवल अभी मैं ऐसे ही खेल रहा था और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फ्री फायर है। और यहाँ पे आप लोग देखें तो मतलब स्टार्ट कर दिया है मैंने, और मैं आपको और सारी डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे आप लोग देखें पबजी चल रहा है, और मतलब आपको अब जवाब मिल ही गया कि मतलब पबजी चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, पबजी चलता है। और ये है पबजी मोबाइल, दोस्तों पबजी PC नहीं है, ये है पबजी मोबाइल। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग VPN को ऑन कर लेते हैं, मतलब एक्टिवेट कर लेते हैं। और अगर आपको चाहिए कि कैसे मैं पबजी खेल रहा हूँ और PC में कैसे डाउनलोड किया, और चूँकि ये पबजी मोबाइल है, पबजी PC है नहीं, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप एमुलेटर से खेल रहे हो, तो ये आपको एमुलेटर के वाले प्लेयर्स के साथ ही भेजता है, ऐसा मतलब ऐसा इसका सिस्टम है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं खेल चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोग देखें टेंसेंट गेम, मतलब यहाँ पे कोई भी फेक नहीं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी है सच है। और मतलब राइजन 5 है, 8 GB रैम है, सब कुछ सही चलता है। और दोस्तों दिक्कत की बात क्या होती है इसमें ना, यहाँ पे आप लोग देखें तो मतलब नेट बहुत ज़्यादा जाता है इसमें, 28 MB चला गया। आप छोटी सी जैसे मान लो आप मीटिंग ही अटेंड कर रहे हो, कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मतलब 300 MB चला जाता है, कभी कभी की बात है ये, इतना अपडेट आता है, रोज़ का रोज़ अपडेट आना है इसमें, मुझे पॉज करके रखना पड़ता है, तब भी ये हालत है इसकी। और लिमिटेड पे लगा दो तो चलेगा नहीं, लिमिट पे मीटेड कनेक्शन पे लगा दो, यहाँ पे पबजी कॉरपोरेशन और चल रहा है, और जो इसका साउंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब म्यूज़िक। और यहाँ पे लोड हो रहा है, और चेकिंग फॉर अपडेट्स, यहाँ पे आप लोग देख ले कोई भी फेक नहीं है, मतलब चल रहा है इसमें, पबजी चलता है। और मैं इसके लिए अलग एक टेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा, यहाँ पे आप लोग देख लें, मतलब VPN भी VPN से सहारी है चल रहा है, और कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे दूसरी बात करें कि इसमें विंडो, तो दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा ये जो इसका विंडो मतलब विंडो 10 है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा सा लगता है कि ये अच्छे से काम नहीं करता,
कभी कभी क्या होता है जैसे कि बूटअप होने में दिक्कत होती थी, बूटअप भी इसका मैंने किसी तरह जुगाड़ लगा के सही किया। जुगाड़ लगाने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहली बार तो मैंने डिस्क पार्टीशन किया और डिस्क पार्टीशन की वीडियो भी अपलोड है, आप ऊपर आप आई बटन से देख सकते हो। और ये लैपटॉप अगर आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो, गेमर हो, कुछ भी हो, आपको एक 40,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए जिसमें आप गेमिंग कर सको, तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे कैमरा मतलब प्रॉब्लम है, और यहाँ पे देखें तो मतलब ब्राउजिंग भी आप कर सकते हो, और ऐसे ही आप यहाँ पर सर्च करें www.youtube.com/talkontechnology, जाएं हमारे वीडियोस को देखें, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग आपके काम के लिए वीडियोस अपलोडेड हैं, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी, यस दोस्तों दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी है, अब तक के लिए मुझे यही लगा है। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स, यहाँ पे ट्रिक फॉर गेमर्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जो विंडो 10 में जो आपको मिलता है, मैंने थोड़े थोड़े फीचर्स बता दिए हैं, और इसके थोड़े विंडो 10 जो है मुझे सही नहीं लगता है, और क्योंकि कभी एक दिन क्या हो गया था, इसमें ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे काफ़ी मतलब दिक्कतें फेस करनी पड़ी। मैं तो सोचा मैं लैपटॉप ही चला गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, गूगल बाबा की सब देन है। गूगल बाबा से मैंने सर्च किया गूगल बाबा पे, और यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो HP का सपोर्ट मिलता है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप मतलब रन मतलब चेक सिस्टम चेक कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कुछ भी चेक कर सकते हो, कोई फॉल्ट तो नहीं है आपके लैपटॉप में। और अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप एडिटिंग के लिए इसे लेना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है दोस्तों। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये इस लैपटॉप में विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज, और मतलब कि यहाँ पे आप लोग को मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स ज़्यादा कुछ अच्छे खासे नहीं मिलते, वेगा 8 है, रेडियन वेगा 8 8 GB रैम है, और क्या कहते हैं मतलब कि 1 TB की हार्ड ड्राइव है, और सही है लैपटॉप, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप वीडियो को चाहे जैसे एक्सपोर्ट करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो लैपटॉप है मतलब सही है और वैल्यू फॉर मनी है, और दूसरी बात कि बैटरी बैकअप है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इसकी पबजी की टेस्टिंग वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, और मोबाइल में भी कैसे ऐप डाउनलोड करें सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।